नमस्कार साथियों, आज चुनाव का दिन है, अंतिम चरण के चुनाव हैं और इन अंतिम चरण के चुनाव में मैं अपने समस्त उन संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं जहां आज चुनावी पर्व मनाया जा रहा है। साथियों, 5 साल में एक दिन ये समय आता है और ये चुनाव डालने का जो मतलब वोट डालने का जो अधिकार है साथियों, ये आपको देश के प्रधानमंत्री को चुनने का अवसर प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए हैं, जैसे कि शिक्षा पे ध्यान देना, चिकित्सा पे ध्यान देना। उन्होंने केवल चंदा दो धंधा लो पैटर्न के तहत लोगों को काम किए हैं, महंगाई बढ़ाने का काम किया है। जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। साथियों, इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे आज के मतदान के संदर्भ में अपने तथ्य। और साथियों, मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आज लोकतंत्र बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया था उसको बचाने के लिए आज आपको मतदान अवश्य करना है। साथियों, आज का समय राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समय है। अंतिम चरण के इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, साथ ही साथ आज पंजाब में भी चुनाव हैं। पंजाब की 13 की 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज इलेक्शन है और जहां आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है। आम आदमी पार्टी आज क्लीन स्वीप करेगी। जब से 92 सीटें मिली हैं पूर्ण बहुमत से, बहुत ऊपर जब सरकार आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बनाई है, साथियों पंजाब की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया गया है। सबसे पहले शिक्षा पर कार्य हुआ है, स्कूलों की रंगाई पुताई से लेकर उसके स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, स्कूलों का विकास किया गया, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें इसके लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए। आपके सरकारी कागजों की जो गड़बड़ी थी उसे दूर किया गया है। पंजाब में पहले आप अगर कोई सरकारी कागज बनवाते थे तो उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था। आज पंजाब सरकार तुम्हारे द्वार एक स्कीम के तहत आपके घर आती है, जिसके तहत आप कोई भी सरकारी कागज जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी सुविधाएं आपको सरकार का एक प्रतिनिधि आता है और वो आपका ये सारा कार्य करके जाता है। माफियाओं को पकड़कर जेल में भेजने का काम आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार कर रही है। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पर आताताइयों और गुंडों का बोलबाला अब नहीं चलेगा। रेत माफिया से लेकर जितना भी माफिया पंजाब में एक्टिव था सारा का सारा ख़त्म कर दिया गया है। साथियों, आप सभी यदि चाहते हैं कि पंजाब का जो केंद्र सरकार ने पैसा रोक के रखा है वो समय पर मिले और पंजाब की विकास की गति बढ़ जाए, तो प्लीज अनुरोध है आपसे कि इस बार का इलेक्शन
आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए। 13-0 से क्लीन स्वीप अगर आम आदमी पार्टी वहां करती है तो साथियों 4 तारीख के जो रिजल्ट आएंगे उसमें इंडिया अलायंस में केजरीवाल जी की एक अहम भूमिका होगी। साथियों आम आदमी पार्टी आपके मुद्दों पर कार्य करती है, आम आदमी पार्टी देश के मुद्दों पर कार्य करती है। सोचिए इंडिया अलायंस में जब आम आदमी पार्टी अपना भागीदारी सुनिश्चित करेगा तो एक बहुत बड़ी भूमिका को निर्वहन करने का काम करेगा। देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को जो है रोज़गार के अवसर प्रदान कराना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराना, महिलाओं को स्पर्धा में लाना, महिलाओं को विभिन्न प्रकार के गेमों में जो गेम खेले जाते हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी की संख्या बढ़ाना और मुख्य धारा में महिलाओं को लाना एक अहम भूमिका है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक विचारधारा का नाम है। अरविंद केजरीवाल जी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं रह गया है, अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा बन गई है और ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिल सके, इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा मिल सके, बहुत अच्छे आधुनिक शिक्षा के द्वारा उन्हें सफल बनाने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। साथियों पंजाब में आप आम आदमी पार्टी के अलावा किसी और को वोट ना दें, क्योंकि यदि आप किसी और को वोट देते हैं तो आपका वोट डाइवर्ट हो जाता है। साथियों आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही वहां पर राज्य की सरकार चला रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पंजाब में कांग्रेस को भी वोट ना दें, क्योंकि यदि आपने पंजाब में कांग्रेस को वोट दिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसका फ़ायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी। आपका और भाजपा का, आपका और कांग्रेस का वोट बट जाएगा जिससे फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो मेरा यही अनुरोध है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत आपको वोट करना है, सपोर्ट करना है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आप सभी साथियों से मेरा करवद्र अनुरोध है कि जहाँ सपा का प्रत्याशी है उसे जिताने की कोशिश करें और जहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी है उसे यहाँ जिताने की कोशिश करें। पंजाब में मैंने कांग्रेस के लिए इसलिए मना किया था कि पंजाब में कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है और इंडिया अलायंस का हिस्सा भी नहीं, इसलिए मैंने आपसे मना किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर इंडिया अलायंस को मजबूत करने की कोशिश करें। आपका लक्ष्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को हराना होना चाहिए। साथियों आपको पता है कि देश किस स्थिति से गुजर रहा है। देश के मुखिया और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ध्यान में चले गए हैं और पूरे देश का नेशनल मीडिया उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। पहले से ही प्लान था, आदर्श आचार संहिता है। आदर्श आचार संहिता के समय में आप खुलकर प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह का प्रचार प्रसार मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना चाहिए था। पिछले रैलियों के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ऊट पटांग बयान दिए जिससे देश का नाम शर्मसार हुआ है। उन्होंने बताया, उनका एक बयान है कि गांधी फिल्म आने से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। कितनी बड़ी भद्दी बात यहाँ पे की गई है। देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता को मूवी आने से पहले कोई नहीं जानता था।
कैसी बातें करते हो मोदी जी। जो विदेशी अच्छे अखबार हैं नामी गिरामी, उनमें हमेशा ही महात्मा गांधी मुख्य पृष्ठ पर छपते रहे। पूरे देश में हजारों स्मारक हैं महात्मा गांधी के, विश्व में जगह जगह स्मारक हैं महात्मा गांधी के, और आप कह रहे हैं कि जब ये मूवी आई है तब महात्मा गांधी के बारे में लोगों को जाना है। ये देश आज़ाद कराने में महात्मा गांधी की एक अहम भूमिका रही है। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे बयान देने की कोशिश की है। साथियों, अब समय है देश का प्रधानमंत्री बदलने का। सबसे पहले तो ये आपका सेवक हूँ ऐसा बोले थे, उसके बाद बोले मैं आपका चौकीदार हूँ, और इस बार तो बहुत सारे इनके सांसदों ने कहा है कि मोदी तो एक भगवान है, एक भगवान की उपाधि दी गई है मोदी को। साथियों, मोदी जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो खुद बोल रहे थे कि मेरी उत्पत्ति एक बायोलॉजिकल रूप से हुई ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं अवतरित हुआ। तो महामानव, अगर आप अवतरित हुए हैं तो फिर हमारे अरविंद केजरीवाल जी तो आपके सामने तुच्छ प्राणी हैं। तो आप क्या सोचेंगे, क्या सुनेंगे अरविंद केजरीवाल जी को? 2 तारीख को हमारा नेता एक बार फिर तिहाड़ जेल जा रहा है। हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही दुख का समय है जब हमारे नेता दोबारा से जेल जाएंगे, तो ये हमारे लिए भावुक पल होगा। साथियों, मेरे देश आम आदमी पार्टी के हमारे सभी नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जाना एक साजिश है। अगर 4 तारीख को इंडिया अलायंस की सरकार जीतती है तो मोदी जी, इंडिया अलायंस की सरकार भी आपसे हिसाब लेगी कि आपने किस आधार पर विरोधियों को जेल भेजा। केजरीवाल जी की क्या गलती थी? केजरीवाल जी ने केवल अच्छी शिक्षा देने का काम किया, केजरीवाल जी ने केवल अच्छे स्कूल बनाने का काम किया, माताओं बहनों के लिए 1,000 रुपये भेजने के लिए एक योजना तैयार की। देश में अच्छा काम करने वालों को आप देशद्रोही बोलते हैं। आपको पता है कि केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी आधार ख़त्म कर रहा है, इसलिए जानबूझ के आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को आप जेल में डाल रहे हैं। हमें शर्म आती है ऐसी भ्रष्ट पार्टी के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी है हमेशा सोचती रहती है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी केवल आम आदमी पार्टी को ही ख़त्म नहीं करना चाहती है, ये देश से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, ये वन नेशन वन पार्टी का रूल लाना चाहते हैं। रूस में जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी तरह तानाशाही लाना चाहते हैं, और देश में ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हों, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि देश में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी बढ़े। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए भले ही मेरे जो साथी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, उसे पसंद करते हैं, फिर भी आप इस बार इंडिया अलायंस को वोट देकर मजबूती प्रदान करें, क्योंकि अगर वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा है? जब वोट का अधिकार नहीं होगा तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इंडिया अलायंस को वोट करें, उन लोगों से दूर रहें जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उन लोगों से दूर रहें जो साधना में लीन हो गए हैं। अब इन्हें हमेशा के लिए साधना में भेज दीजिए, हमेशा के लिए। अब इन्हें प्रधानमंत्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, इस बार कोशिश करिए कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार आए और देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री बने। इंडिया अलायंस में एक से एक बेहतरीन नेता है। तो मैं बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि हीट वेव का समय हमारे भारत में चल रहा है, कृपया करके अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें।
भोजन करते समय ये ध्यान रखें कि आप कहीं तला हुआ खाना तो नहीं खा रहे हैं। पानी की पूर्ति के लिए खीरा खाते रहिए, ककड़ी खाते रहिए। ठंडे समय में तरबूज और खरबूजे का भी आप इस्तेमाल करके अपने शरीर में हाइड्रेशन रख सकते हैं। पानी पीते रहिए, क्योंकि आप हमारे देश के योगदान हैं, आप हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आपका जन्म पकौड़े तलने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म देश की राजनीति को एक उच्च स्तर तक ले जाने के लिए हुआ है। तो देश के योगदान में, देश के विकास में योगदान दें, और साथियों अपना ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो भारत अपने आप समृद्ध देश बनेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी जो हमसे बड़े हैं उन साथियों को सादर नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, माताओं बहनों को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। धन्यवाद।